शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हार नहीं मान सकती, हार नहीं मान सकती। मैं किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी 21 सालों की तपस्या का फल मुझे मिलकर रहेगा। चंद्रलेखा हूँ मैं। मुझे कदमोतले जमीन और मुट्ठी में आसमान चाहिए। जिस शक्ति की किसी ने कल्पना भी ना की हो, मुझे उस शक्ति का वरदान चाहिए। और जो मुझे चाहिए वो मैं पाकर रहूंगी। हमारे दुख का कारण तुम हो घमंडी लड़की, और हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। चंद्रलेखा, मेरी बात मानो। देखो मुझे, देखो इतना गुस्सा सही नहीं है। गुस्से से ना हर सही काम बिगड़ जाता है। मेरी बात सुनो चंद्रलेखा, शांत हो जाओ। देखो देखो, हम लोग मिलके सोचेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, देखना सब कुछ सही होगा। आज तक तुम नहीं हारी हो तो आज क्यों हार जाओगी? हाँ, जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी होगी। मेरी बात मानो, शांत हो जाओ। बताओ क्या हुआ है?
जिस चीज का डर था वही हुआ। अधिराज किसी दिव्य शक्ति के संपर्क में आ गया है। क्या? हाँ, तुम्हें याद है मैंने अधिराज की कलाई में वो काला धागा बांधा था? हाँ हाँ। वो इसलिए बांधा था ताकि जब भी अधिराज किसी दिव्य शक्ति के संपर्क में आए मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि हमेशा से मुझे ये डर था कि अधिराज एक ना एक दिन किसी दिव्य शक्ति के संपर्क में आएगा। आखिर अधिराज इंसान का बच्चा है, कहीं वो शक्ति उसमें इंसानियत न जगा दे। और लगता है आज कुछ ऐसा ही हुआ है, तभी मैं अधिराज तक पहुंच नहीं पा रही हूं। बहुत तमाशा बन चुका है मेरा, अब और कोई तमाशा नहीं खड़ा करना मुझे। हमें हमारी माँ को ढूंढना है, हे देवी माँ, हमें हमारी माँ से मिलवा दो। काकी, आपकी सुनैना तो साक्षात देवी का रूप लग रही थी। ऐसा लग रहा था दुष्टों का नाश करने के लिए माता रानी स्वयं धरती पर आ गई हो। मैंने कहा था ना, इस लड़के का सुनैना से कुछ न कुछ चक्कर जरूर है। हाँ, इतना बखेड़ा होने के बावजूद भी ये लड़का सुनैना का नाश देखने यहाँ क्यों आया? अरे, ये लड़का सुनैना बेटी के पीछे पड़ा है, तभी तो मौका मिलते ही छेड़ने चला आता है। हम यहाँ पर किसी को छेड़ने नहीं आए, हम माता रानी से प्रार्थना करने हैं ताकि वो हमें अपनी माँ से मिलवा सके। हमें इन्होंने कहा था कि माता रानी सबकी प्रार्थना सुनती है, इसीलिए हम भी उन्हें अपना दुख सुनाने आ गए। प्रार्थना और पूजा पर अधिकार सबका होता है, पापियों का भी, पर हम किसी से किसी का अधिकार नहीं छीन सकते। करने दो इसे कुछ अच्छे कर। पंडित जी, हरि काका, शीतल काकी, सोहन भैया और आप सभी गांव वालों से मैं तेज से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अनुमति दी इस कार्यक्रम में भाग लेने की और मेरा हौसला भी बढ़ाया। मैं आप सभी लोगों का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी और वादे के अनुसार महापूजा संपन्न हुई। अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं।